नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिशु लालनम का पाठ 5। राम कह रहे हैं, राम है, स्वगतम का मतलब अपने मन में, क्या करें, धिंग का मतलब धिक्कार है, माम मुझको एवं अभूत, ऐसा होते हुए, ऐसा हुआ तो मुझे दिखा रहे। तो राम कह रहे हैं हिंदी में, अपने मन में ऐसे हुए मुझको धिक्कार है, ऐसा क्या हुआ सीता को निकालने से। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराधेन, अपराध से, स्वैपत्यमेव अपने संतान को ही, मन्यु गर्भई क्रोध भरे अक्षरई शब्दों से निर्भर्त्सयति डांटती है, से वाष्पम अवलोकयति नेत्रों से आंसू के साथ देखते हैं, से वाष्पम आंसू आंख आंसुओं के साथ अवलोकयति देखते हैं। दोबारा देखेंगे, राम है, अपने मन में ऐसा हुए मुझको धिक्कार है एवं अभूत, ऐसा हुए माँ मुझको धिंग धिक्कार है। देखिए, धिंग के युग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से अपने संतान को ही क्रोध भरे शब्दों से डांटती है, से वाष्पम अवलोकेति आंसुओं से देखते हैं। अब देखिए साथियों, मन्यु गर्भई अक्षरई निर्भर्त्सयति, तो यहां पर जो मन्यु गर्भई भई के बाद में जो रे है यह आधा है और आगे क्या है, रे में ए है, रे में ए है, तो रे वाले ए को इधर किया और यहां पर इस रे के स्थान पर क्या आ गया, विसर्ग आ गई। ये विसर्ग, विसर्ग संधि है, और कौन सी विसर्ग संधि है, रुत्व विसर्ग संधि। फिर अक्षरई के बाद में ने के ऊपर देखिए रे दिखाई दे रहा, अक्षरई, तो यहां पर भी रुत्व विसर्ग संधि है, इस रे के स्थान पर क्या जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो निर्भर्त्सयति मन्यु गर्भई का मतलब क्रोध भरे अक्षरई अक्षरों से शब्दों से निर्भर्त्सयति डांटती है। हिंदी देख लीजिए आप, वह तपस्विनी सीता मुझसे किए गए अपराध से अपने संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है, नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, राम है, राम जी क्या कह रहे हैं, अति दीर्घ है, अति दीर्घ है का मतलब, और प्रवासो अयम दारुणस्य, अयम यह प्रवास है, यात्रा अति दीर्घ है, बड़ी लंबी है, और दारुणस्य कठिन भी है, कष्टदायी भी है। हिंदी देखिए, राम जी कह रहे हैं ये यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है, ये हिंदी है यहाँ। विदूषकम् अवलोक्य, विदूषक को देखकर, विदूषक को देखकर, जनांतिकम् पर्दे के पीछे, जनांतिकम् पर्दे के पीछे, विदूषक को देखकर पर्दे के पीछे, कुतूहलेन आविष्ट है, कुतूहलवश घिरे हुए, कुतूहलवश घिरे हुए, अनयो मातरम् इनकी माता, नामते नाम से, इनकी माता को नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। देखिए, मातरम अनयो नाम तो, अनयो इन दोनों की, मातरम माता को नाम तो नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं,
युक्तम उचित नहीं है, उचित नहीं है। स्त्रीगत मन्योक्तम, स्त्री के संबंधित कार्य उचित नहीं है। स्त्रीगत, स्त्री से संबंधित, स्त्रीगतम, स्त्री से संबंधित अनुयोक्तम का मतलब उचित कार्य नहीं है, उचित कार्य नहीं है। विशेषतः तपोवन में, विशेष रूप से तपोवन में। तत् तो इसके बाद को अत्र उपाय, यहां पर क्या उपाय। अब देखिए यहां पर, और स्त्री के संबंधित कार्य पूरा परिचय जानना उचित नहीं है, विशेषकर तपोवन में, तो यहां क्या उपाय। तथ्य को अभी उपाय, तो यहां क्या उपाय। नीचे संधि है देखो, प्रवासो अयम, यहां पर विसर्ग से पहले यदि क्या हो, ए हो, और विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो इस ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है इस प्रकार, और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये संधि हो गई, इसको उत्व विसर्ग संधि बोलते हैं। यहां पर देखिए दारुणश्च, या चे से पहले क्या है, शय है, चे के पहले शय है, तो ये सचतु संधि है, दारुण प्लस चय, ये संधि विच्छेद हुआ, दारुण प्लस चय। ठीक है, आगे देखिए, देखिए कुतूहलेन आविष्ट है, और फिर मातरम, तो कुतूहलेन आविष्ट है, आविष्टो था, कुतूहलेन आविष्टो, कुतूहलेन आविष्टो, देखिए यहां पर कुतूहलेन आविष्टो और मातरम, ये शब्द लिखा नहीं गया, तो यहां पर टेमे ओ की मात्रा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगी, तो ये भी उत्व विसर्ग संधि। अनियोर नाम, तो यहां पर भी देखिए न के ऊपर जो रह है, अनयोर नाम, तो इस प्रकार से उच्चारण करते हैं हम, तो अनयो हो नामता है, इस प्रकार से संधि हो जाएगी, अनयो हो नामता है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, फिर नाम तो वेदितुम, तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, विदुष के जनांतिकम, पर्दे के पीछे, अहम पुनः प्रच्छामि, मैं फिर पूछता हूं, प्रकाशम प्रकट रूप में, युवयोः जननी, तुम दोनों की माता का किम, क्या नामधेय नाम है। तो देखिए युवयोः जननी, इसकी संधि विच्छेद है, युवयोः प्लस जननी, तो विदुष कह रहा है पर्दे के पीछे जनांतिकम, मैं फिर से पूछता हूं प्रकट रूप में, तुम्हारी माता किस नाम वाली या क्या नाम है। लव बोलता है तस्या, उसके द्वे नामनी, दो नाम है, उसके दो नाम है। विदुष के कथमिव, कैसे। लव है तपोवन वासी ने, तपोवन वासी देवी थी, देवी इस प्रकार नामना नाम से आवयंती बुलाते हैं, तपोवन वासी ने, तपोवन वासी देवी इति नामना नाम से आवयंती बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु रीति, भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिए हिंदी में तपोवन निवासी उनको देवी नाम से बुलाते हैं, भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से बुलाते हैं। अपि च इतः तावत् वयस्य, वयस्य मित्र, तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए, इतः इधर, अपि भी, वयस्य मित्र, इतः इधर तावत् तो,
तो इधर भी मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए, यहां पर संधि विच्छेद है इतस्तावत, इते प्लस तावत। मित्र तो इधर भी थोड़ी देर के लिए, वयस्य मित्र तावत तो इत इधर अपि भी मुहूर्त मात्रम थोड़ी देर के लिए। विदुष के उपसरते पास जाकर के आज्ञा पयेतु भवान, आज्ञा दीजिए आप, आज्ञा पयेतु आज्ञा दीजिए भवान आप। विदूषक पास जाकर आप महाराज आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारियो अनियो अस्माकं च सर्वथा समरूप है कुटुंब वृतांत है। अस्माकं हमारा से और कुमारियो इन दोनों का, अपि भी हमारा और इन दोनों का कुटुंब वृतांत है, परिवार के वृतांत, परिवार का विवरण सर्वथा हमेशा समरूप है, समानी है। राम जी कह रहे हैं कि अस्माकं कुमारियो हमारा और इन दोनों कुमारों का भी कुटुंब का विवरण सम रूप है, सर्वथा सर्वथा हमेशा समान रूप वाला ही है। देखो इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह समान है। कुमारियो अनयो अस्माकम, कुमारियो विसर्ग, अनयो विसर्ग और अस्माकम, ये इसकी संधि विच्छेद। नेपथ्य पर्दे के पीछे से, इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया है, इयति इतना वेला समय संजाता हो गया है। रामायण गानस्य नियोग है, रामायण का गाने का कार्य किमर्थम निविदेते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। इतना समय हो गया रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ राजन उपाध्याय दूत असमान तोरे, उपाध्याय का दूत हमको जल्दी करा रहा है। उपाध्याय दूत है, उपाध्याय का दूत, गुरुवर के दूत असमान हमको तवरियती जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए दोनों महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। उपाध्याय मीन्स गुरु शिक्षक जो भी, तो उपाध्याय दूतो अस्मान, इसका संधि विच्छेद हुआ उपाध्याय दूतो अस्मान। नेक्स्ट है राम, मयापि सम्मानीय एव मुनि नियोग है, मयापि मुझे भी मुनि नियोग है, गुरुवर का आदेश सम्मानीय, सम्मानीय है, मान्य योग्य है, तथा ही क्योंकि राम कह रहे हैं कि मुझे भी गुरुवर का आदेश सम्मानीय मानने योग्य है क्योंकि। अब एक पदेन उत्तरत के का मतलब, कौन कुशलवयो मातु, कुशोलव की माता को देवी इति नामना आवयंती, देवी इस नाम से बुलाते हैं, तो कौन बुलाते हैं तपोवनवासी ने। अब इस पैराग्राफ में भी देख सकते हैं कि तपोवनवासी उनको किस नाम से बुलाते हैं, देवी इति नाम से बुलाते हैं। देखो तपोवनवासी ने देवी इति नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं, ये है भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से उनको बुलाते हैं। दूसरा प्रश्न है कै कुशलवयो मातु वधु रीति नामना आहुयति, कौन कुशलव की माता को वधु के नाम से बुलाते हैं, तो भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि। तो यहां पर वाल्मीकि में लय में छोटा लय है, आधा लय है, इसको आधा लय पढ़ेंगे आप, भगवान वाल्मीकि वाले लय को आधा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ठीक ही कर देते हैं। आधा ठीक है। अब आगे देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तरार्थ,
धिंग माम एवं भूतम इति रामय कदा वदति, धिकार है मुझको ऐसा होते इस प्रकार राम कब बोलता है, कब बोलता है। धिंग माम एवं भूतम इति रामय तदा वदति, यदा से जानाति जब वह जानता है यत की सा तपस्विनी मत कृतेन अपराधीन, वे तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से सौपत्यम मन्यो गर्भैर निर्भत्स्यति, अपने संतान को क्रोध भरे शब्दों से डांटती है। तो ये पैराग्राफ में भी देख लीजिए आप। क्रोध भरे शब्दों से डांटती है, ये रहा। धिंग माम एवं भूतम सा तपस्वनी मत्कृतेन अपराधीन स्वपत्यम एव मन्यो गर्भैर निर्भत्स्यति, यह आंसर है कि वे क्यों डांटती है, कब डांटती है, इसलिए डांटती है, यह आंसर है। ठीक है। नंबर टू, निर्णक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो मा चापलम, चंचलता मत करो, इति कुशलवयो माता कदा अधिक्षिप्ति, इस प्रकार कुश और लव की माता कब डांटती है। देखिए, निर्णक्रोशस्य पुत्रो मा चापलम इति कुशलवयो माता तदा अधिक्षिप्ति, यदा आवयो बाल भाव जनितम, जब हमारे दोनों पुत्र बाल भाव से उत्पन्न, किंचित अविनयम पश्यति, कुछ अविनय देखती है, तब वो डांटती। नेक्स्ट, तपस्वनी मत कृतेन अपराधीन, तपस्वनी मेरे किए गए अपराध से स्वपत्यम एव मन्यु गर्भय अक्षरे निर्भत्स्यति, तपस्वनी मेरे किए गए अपराध से अपने संतान को भी क्रोध भरे वचनों से डांटती है। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति, डांटने वाली कौन है, कर्तृपद का कर्ता, तो डांटने वाली कौन है, तपस्विनी, यह आंसर हो गया। अत्र क्रियापदम किम अस्ति, क्रियापद क्या है, निर्भत्स्यति। निर्दय इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अर्थ प्रयुक्त है, निर्दय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, निर्णक्रोश है। मन्यु गर्भय अक्षय निर्भत्स्यति विशिष्य पदम किम अत्र प्रयुक्तम, विशिष्य पद क्या प्रयोग किया गया यहां पर, मन्यो गर्भ ही क्रोध भरे अक्षरी वचनों से निर्भत्स्यति डांटती है, तो विशेष पद अक्षर ही हुआ और मन्यो गर्भ ही क्या हुआ, विशेषण हुआ। अवमानित अपमान इत्यस्मिन् इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, अपमान इसका विलोम पद क्या है, सम्मानिता। धिक योग्य का विभक्ति प्रयोज्यते, धिक योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, द्वितीय। नीचे आंसर है दोस्तों आपकी सुविधा के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।